ग्रेट ओके चलो देन ये बताएगा कल हमने क्या क्या देखा है। यस एंड आल आस्क एवरीवन टू प्लीज स्टार्ट योर वीडियोस ओके। वीडियो स्टार्ट करो यानी कि पता चलेगा मुझे आप लोग क्या कर रहे हो। इट मीन्स लाइक फेस टू फेस बातें कर रहा है ऐसे मुझे भी फील आएगा। ओके लेट मी स्टार्ट माय वीडियो फर्स्ट। सबने इंस्टॉल किया जावा? होप एवरीवन हैज इंस्टॉल्ड जावा। अरे कुछ तो बोलो। यस सर। ओके मुना आदित्य ओंकार पल्लवी प्रणाली प्रतीक सोनम वर्षा महाजन सर्वांनी स्टार्ट केलेले आहेत का आपले सिस्टम्स? सी इफ यू आर नॉट कम्फर्टेबल स्पीकिंग इन इंग्लिश और हिंदी डजंट मैटर्स मराठी में भी बात करो मुझे मराठी भी आता है। ओके फाइन लेट मी शेयर माय स्क्रीन। इज इट विजिबल टू ऑल? ओके सो कल के सेशन में हमने क्या देखा था लेट मी जस्ट रिवाइज वंस बिकॉज आप लोग तो बता नहीं रहे। ओके सो सी कल हमने क्या किया था जावा इंस्टॉल करके देखा था राइट बाय यूजिंग दिस कोड एडिटर्स राइट वी आर गोइंग टू यूज द कोड एडिटर नहीं क्या उसके लिए नोटपैड और नोटपैड प्लस प्लस भी प्रेफर राइट नाउ अभी इनिशियल स्टार्ट पे हम ये चीज कर रहे हैं देन वी हैव रिटन वन प्रोग्राम ओके देन वी हैव कंपाइल्ड दैट प्रोग्राम एंड देन यू रन दैट प्रोग्राम राइट सो नाउ उसके बाद हमने एक सिंपल सा प्रोग्राम किया था जिसमें सिर्फ वी आर गोइंग टू रन दिस प्रोग्राम ओके क्या कर रहे हैं रन कर रहे हैं and then we are expecting the hello world right wo cheez humne kiya for that what we have done uske liye we have written a simple program yahan pe so which one is the first program first java program right so what is the file name if I'll ask ye jo apna class hai okay based on this class What will be the name of our Java file? क्या रहना चाहिए? Yes. First Java program. Right. Very good. First Java program. ऐसे रहेगा. Why? Because Java क्या करता है? जहाँ पे आपने main method लिखा है, okay? That is your main class. और जो main class रहेगा? ओके उसी नाम से आपका फाइल भी बनेगा सो व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ योर फाइल यस व्हाट इज द एक्सटेंशन आदित्य मुणाल पल्लवी डॉट जावा वेरी गुड सो दैट इज द डॉट जावा फाइल ओके ठीक है सो नाउ हाउ टू कंपाइल दैट फाइल कंपाइल करने के लिए हमारे पास कौन सा कमांड यूज कर रहा है और सिंटैक्स प्रणाली कैन यू टेल मी आरती आदित्य जावा फाइल नेम
जावा फाइल नेम नहीं, माय क्वेश्चन क्या है, मैंने तो जावा फाइल नेम बना लिया, राइट? नाउ आई वांट टू कंपाइल दैट कोड, दैट फाइल, जावा फाइल, राइट? तो क्या करना चाहिए मुझे, व्हाट इज द कमांड? जावा, फर्स्ट जावा प्रोग्राम डॉट जावा, राइट? जावाक, जावा सी, ऐसे कहते, दैट इज द कमांड, राइट? सो नाउ नेक्स्ट, ओंकार, ओंकार मठपति, आप बताओ, वंस विल कंपाइल द कोड, व्हाट टाइप ऑफ फाइल इट विल जनरेट? यस, प्रतीक, डॉट जावा, नहीं, डॉट जावा फाइल कंपाइल करने के बाद, वंस विल कंपाइल दैट फाइल, तो कौन सा फाइल जनरेट करता है? यस, यू कैन टाइप इन चैट बॉक्स आल्सो, ओके, जावा क्लास फाइल, डॉट क्लास फाइल इट विल जनरेट, राइट? प्रणाली ने आंसर दिया, ओके फाइन, ओके, देन नाउ हाउ टू रन दैट डॉट क्लास फाइल? डॉट क्लास फाइल कैसे रन होगा? यस मुणाल, फर्स्ट जावा एंड देन जो भी हमारे क्लास बनता है, प्रोग्राम का नाम class है, file, right? Yes. वो डॉट क्लास फाइल बनेगा ना, तो वही डॉट क्लास फाइल हम क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, राइट? सो मुझे बताओ, इफ आई आस्क लाइक द वन इंटरव्यू क्वेश्चन, आर वी एग्जीक्यूटिंग और डॉट जावा फाइल, जावा फाइल एग्जीक्यूट करते हैं क्या हम? जावा फाइल क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं कि कंपाइल करते हैं? कंपाइल, राइट, ग्रेट, वेरी गुड, उसको जावा फाइल को हम कंपाइल करते हैं, ठीक है? देखो मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा ना आपको, वो जो क्वेश्चंस है, दोज क्वेश्चंस मे बी, ओके, इंटरव्यू क्वेश्चंस, मे बी दैट इंटरव्यूअर विल आस्क दिस क्वेश्चंस, ओके, तो ये जो क्वेश्चंस है ना, वो लिख के लिया करो, ओके, थोड़ा बहुत लिख के लिया करो, याद रखा करो, देन बी रिस्पॉन्सिव इन दी सेशंस, राइट? जब तक हम टॉकेटिव नहीं रहेंगे, बातें नहीं करेंगे, तो फ्रेंडली कैसे बनेंगे? अगर फ्रेंडली नहीं बनेंगे तो फिर कैसे सीखेंगे आगे, राइट? यू आर नॉट गोइंग टू आस्क एनी क्वेश्चंस देन, आप क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे हो, इसलिए मुझे पूछना पड़ रहा है, राइट? सो डोंट वरी, बी सेटल हो जाओ ठीक तरह से, आराम से, एंड बी फोकस्ड एंड आस्क द क्वेश्चंस, ओके, डजंट मैटर, फाइन, ओके, नाउ हमने जो कल प्रोग्राम लिखा था, सो बेसिकली दिस इज आवर प्रोग्राम, राइट? कल यही प्रोग्राम लिखा था, राइट? सो नाउ यहां पे ये चीज, वी आर गेटिंग वन एक्सेप्शन, राइट, वन एरर, इंटरनल और एक्सटर्नल कुछ तो एरर आ रहा था हमें, राइट? तो क्यों आ रहा था? We are facing an error, right? After installing the code, sorry, Java on our machine, तो हमें कुछ तो configuration करना पड़ता था. हमने क्या configuration किया था? कहाँ पे क्या configuration किया था? Anyone? Environment set किया था. Environment variable set किया था. So environment variable कहाँ पे set किया था? So in our settings have the environment variables. ओके, ये एनवायरमेंट वेरिएबल रहेगा, वहां पे हमने वेरिएबल सेट किया था, ओके, तो उसके लिए कैसे सेट किया था हमने, व्हाट इज द पाथ फॉर दैट, कौन सा पाथ दिया था हमने, जहां पर हम प्रोग्राम में हमारे सेव करने वाले वो जावा के ऊपर का, हां,
another one. Program files, right? Program files से हमने वहां पे जावा में गए, right? जावा में जाके हमने अपना JDK देखा, right? JDK के inside जाके हमने bin folder देखा, right? In this bin folder, आपका Java C, Java ये जो .exe फाइल से वहां पे मिलते हैं आपको. So we need to specify this path, right? ये path हमें specify करना पड़ता है. चलेगा. सो ये सारी चीजें हमने देखी. फाइन. सो कैन वी मूव बिट अहेड, थोड़ा सा आगे बढ़े. चलो. सो नाउ कल का जो कोड था हमारे पास, लेट मी से, ओके लेट मी टेक दिस वन. चलो मैं फिर आगे निकाल देता हूं. सर आवाज कम आ रहा है आपका. आवाज कम आ रहा है नाउ? नाउ इज इट फाइन? हाँ ठीक. ओके थैंक यू. सो देखो क्या किया है, सिंपल सा एक हमने कोड बना रहे हैं. उस कोड में हमें करना क्या है मैं बता देता हूँ. सी एक फर्स्ट सेशन में हमने एक एग्जांपल लिया था, राइट? क्या एग्जांपल लिया था? अब राइट अ प्रोग्राम, write a program to perform addition of two numbers, right? तो इसके लिए हमने क्या किया था, किसी को याद है? Yes? हमने कुछ तो ऐसे किया था, right? Addition of two numbers, यानी कि क्या करना है? Let's consider 10 plus 20 ऐसे दिया हमने. So we are expecting 35, right? है कि नहीं? A is equals to 10. प्रणाली से something, right? Very good. A is equals to 10, B is equals to 20, then A plus B, something ऐसे कुछ तो किया था, right? याद होगा आप लोगों को. प्रणाली is writing code in a chat box. Very good. Fine. देखो हमने ऐसे किया. So now, let me say, इस प्रोग्राम में यहां पे इफ आई राइट 10 प्लस 20, ओके चलेगा क्या? देखो नाउ लेट मी गो टू दिस एड एंड लेट मी ओपन द CMD हियर. ओके मेरे प्रोग्राम का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ माय प्रोग्राम? Add. हाँ, so how to compile then? Java. Java C add. Dot Java, right? यह हमने compile कर दिया. Now Java add मैंने इसको दे दिया. So see, can I get the result? This is the answer, right? See. 10 प्लस 20 किया था ना. तो इसका रिजल्ट क्या आ गया हमारे पास? 30 द करेक्ट वन. चलो मैं इसको ना 100 कर देता हूं और इसे 200 कर देता हूं. ओके सो लेट मी कंपाइल इट अगेन, एग्जीक्यूट दैट क्लॉज फाइल अगेन. सो 300, राइट? यहां पे मिल रहा है मुझे, आई एम गेटिंग दिस रिजल्ट्स. तो नेक्स्ट स्टेप हमने कैसे किया था? चलो मुझे ना ये नंबर्स कहीं पे तो सेव करने हैं, राइट? हमने क्या बोला था, अपने पास एक रैम होता है, राइट? ओके रैम होता है. उस रैम के अंदर व्हाट वी आर गोइंग टू डू, I wants to create one variable. मैं बता दूंगा variable क्या होता है. किसी ने तो पूछा था सर identifier क्या है, data types क्या है, variables क्या है, right? तो क्या करते हैं हम इस RAM को, okay? RAM यानी कि क्या है, random access memory. आपके mobiles में भी होता है, आपके laptops में भी होता है, right? तो इसमें क्या करते हैं
आपका जो कुछ भी प्रोग्राम होते हैं ना, वो जो प्रोग्राम्स में आप वेरिएबल्स वगैरह क्रिएट करते हो, तो वो आपके हार्ड डिस्क में नहीं होते, वो चले जाते हैं आपके रैम में. बिकॉज रैम में क्या होता है, इट्स अ वोलाटाइल मेमोरी, टेम्पररी मेमोरी, जहां पे क्या होता है बाद में इरेज हो जाता है, राइट. तो हम क्या कर रहे हैं, लेट मी से आई वॉन्ट टू स्टोर दिस 10 इन रैम, आई वॉन्ट टू स्टोर दिस 20 इन रैम. ओके, सो डायरेक्टली वी कैन नॉट स्टोर दिस वैल्यूज. ओके, डायरेक्टली वैल्यूज हम स्टोर नहीं करते हैं, तो उसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वी नीड टू क्रिएट सम वेरिएबल्स. ओके, और कुछ स्पेस रिजर्व करना पड़ेगा अपने रैम में, और उसको हम नाम दे देंगे लाइक नम वन. ओके, और ये क्या है, नम टू. ऐसे मैंने रिजर्व वर्ड्स उसको दे दिए, ओके राइट, उसको रिजर्व कर दिया मैंने. फाइन, सो नाउ मैं और एक बॉक्स बना लेता हूं सिंपल, जो कि मैं खाली रख देता हूं. ओके, और उसे बोलूंगा नम थ्री. ओके, नंबर थ्री. और सिंपली आई कैन से रिजल्ट, जो कुछ भी रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट इसमें डाल दे. ओके, तो ये कैसे बनेगा देन, यहां पे क्या होगा, हाउ टू राइट अ स्टेटमेंट, कोई बताएगा. नंबर वन इज इक्वल टू 10. डायरेक्टली आई एम टॉकिंग अबाउट द एडिशन. ओके, नंबर टू. ओके, ये कहां पे जाना चाहिए, आपके रिजल्ट में, राइट. ऐसे हम स्टेटमेंट लिख देंगे. ओके, लेकिन नंबर वन और नंबर टू में वैल्यूज कैसे डालेंगे हम, राइट. हमने क्या बता रहे हैं, वी ट्राइंग टू से कि एक काम करो भाई, तुम इन दोनों का एडिशन करो, हमने बोल दिया, राइट. बट हाउ टू आइडेंटिफाई और हाउ टू डिफाइन दीज वेरिएबल्स, और इस नाम जो दिया है हमने, इन नाम के अंदर हाउ टू असाइन दीज वैल्यूज, 10 और 20 कैसे असाइन करेंगे, वेरिएबल असाइन करके, राइट. हाँ, सो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैंने ऐसे किया, नम वन इज इक्वल टू 10, नम टू इज इक्वल टू 20. ओके, ये मैंने उसको ऐसे असाइन कर दिया. फाइन, सो देखो अभी कैसे हो रहा है, नम वन को 10 दे दिया, नम टू को 20 दे दिया. तो फिर ये जो 10 है, देखो 0 टू 9 जो कुछ भी आएंगे उसे हम क्या कहते हैं, डिजिट्स, राइट. उनसे क्या बनता है, नंबर्स बनते हैं, राइट. एक नहीं, ए टू झेड और ए टू झेड, ये क्या है, कैरेक्टर्स, राइट. उससे क्या बनता है हमारे पास, स्ट्रिंग बनते हैं, वर्ड बनते हैं, राइट. तो और एक टाइप का भी है, लेट से 1, 2, 3, 34, 43. तो ये कौन से टाइप की वैल्यूज हो गए, इंटीजर, फ्लोट, राइट. ये फ्लोट हो गए, राइट. ये डिजिट्स ले रहे हैं हम यहाँ पे, इसको लेट से 1, 2, 3, 4 लिखा मैंने, तो ये क्या हो गया, डिजिट्स है, नंबर है वो. ओके, ये क्या है, नंबर से. फाइन, ये कैरेक्टर से फ्लोट है. तो कौन से टाइप के वैल्यूज हम स्टोर कर रहे हैं इसमें, ये कैरेक्टर्स है कि नंबर्स है कि फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज है, नंबर. यस, नंबर्स आते हैं, राइट. दीज आर दी नंबर्स. तो जावा क्या कहता है, इफ यू वॉन्ट्स टू स्टोर, ओके क्या बोलेगा, इफ यू वॉन्ट्स टू स्टोर नंबर्स देन यूज इंटीजर, चाहिए डेटा टाइप. ओके, व्हाट इट इज, डेटा टाइप. अगर आप ये यूज कर रहे हो, ओके, नंबर स्टोर्स करने हैं आपको, तो क्या यूज करो बोलता है वो, इंटीजर. सो इंटीजर क्या है, अपना डेटा टाइप है.
मैं बताऊंगा ये डेटा टाइप्स वगैरह क्या है, कैसे हो रहे हैं, वी आर गोइंग टू कवर ऑल बाय टुडे, ओके। ये सारे देखेंगे हम, बट इनिशियल लेवल पे सुनो। डेटा टाइप यानी कि क्या है, दिस इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा, राइट। जैसे कि हमने लास्ट टाइम बोला था, ये मेरा एक प्रोग्राम है, ओके। ये प्रोग्राम क्या करता है, लेट से एज इक्वल टू बी प्लस सी किया मैंने, ओके। तो देखो A is equals to 10 दे रहा and B is equals to 20 दे रहा। ये क्या है, what is this, this is the input, right, this is the input, okay, क्या है ये input, ठीक है। नहीं तो output क्या आएगा इसका, जल्दी बताओ। Yes, what will be the output? 30, very good. ये आ गया 30। अभी ध्यान दो, ये क्या है मेरा आउटपुट है। अभी अगर मैंने यहां पे a equals to t दे दिया कैरेक्टर एंड b is equals to yes दे दिया, okay, I'm changing the values, guys. देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये वैल्यू चेंज कर रहा हूँ। अगर मैंने अभी ये इनपुट दे दिया तो अभी आउटपुट क्या आएगा बताओ, व्हाट विल द आउटपुट? यस यस टी एस, यानी कि क्या हो जाएगा, कॉन्केटिनेशन, राइट। इन कैरेक्टर्स को उसने कॉन्केटिनेशन कर रहा है, समझ में आ रहा है। सो इन दैट वे अगर मैंने यहां पे A is equals to testing, A is equals to testing and B is equals to task, ऐसे दे दिया and I am giving input to this program, इस code को। So now what will become my output now? Testing 17, right, we'll get the testing shastra, right। समझ में आ रहा है, यानी कि जो हम इनपुट देंगे ना वैसे हमारे पास क्या मिल रहा है, आउटपुट, राइट, है कि नहीं। अगर मैं यहां पे इनपुट दे रहा हूं नंबर्स, ओके, डेटा जो है मेरा, वी कैन कॉल इट द डेटा, राइट, दिस 10 20 टी इयर्स टेस्टिंग शास्त्र, दैट इज नथिंग बट द डेटा, राइट। ये डेटा दे रहे हैं हम और ये हम इनपुट दे रहे हैं, तो प्रोसेस होगा और हमारे पास आउटपुट आएगा। लेकिन यहाँ पे डेटा का हर एक टाइप है, डेटा का टाइप चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे क्या दे रहे हैं हम, हियर आई एम गिविंग द इंटीजर, राइट, नंबर्स दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, यहाँ पे मैं कैरेक्टर्स दे रहा हूँ, राइट, यहाँ पे मैं स्ट्रिंग दे रहा हूँ, राइट। सो दैट इज नथिंग बट द डेटा, डेटा डिफरेंट डेटा टाइप्स क्या है हमारे पास, डेटा के टाइप्स कौन से है, राइट, नंबर्स है, कैरेक्टर्स है, स्ट्रिंग्स है, फ्लोट है, इन दैट वे। सो बेस्ड ऑन दैट विल गेट द आउटपुट, परफेक्ट, उस सबसे आउटपुट आएगा। सो नाउ अभी अगर मुझे नंबर स्टोर करना है तो आई यूज द इंट डेटा टाइप, ओके। तो मुझे बताओ यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं प्रोग्राम में, are we going to perform any addition of characters or string or numbers, कौन सा addition कर रहे हैं at this place, this is our aim, right, right। तो addition किसका हो रहा है, integer का हो रहा है कि characters का हो रहा है कि string का हो रहा है, yes, integer, right। so यहाँ पे आपको java को बताना पड़ेगा कि आप कौन से टाइप का डेटा स्टोर कर रहे हो, राइट। इंटीजर नम वन इज इक्वल टू क्या आ गया 10, इंटीजर नम टू इज इक्वल टू क्या आ गया 20। सो रिजल्ट में क्या आएगा, कैरेक्टर आएगा, स्ट्रिंग आएगा कि फ्लोट आएगा कि नंबर आएगा, यस नंबर आएगा, नंबर ही आएगा ना, बिकॉज वी आर गिविंग द इनपुट एज अ नंबर, तो आउटपुट भी मेरे पास नंबर ही आएगा। सो हम वो नंबर भी यहाँ पे रिजर्व कर दिया ना हमने, राइट, इंटीजर रिजल्ट बोल के।
So now I'll do integer result. Okay. इसको मैंने integer result बोल के save कर दिया. अभी देखो. Now let's consider हमने यहाँ पे एक integer num3 किया. Okay. तो आपके RAM में कैसे होगा? जब भी आप कोई variable declare कर दोगे. Okay. So instantly luggage क्या कर देगा वो? यहाँ पे एक space allocate कर देगा. किसे? Now we have defined num3. इसको बोलेगा num3. जैसे जैसे वेरिएबल्स आप लिखते जाओगे, बनाते जाओगे, तो उस हिसाब से मेमोरी रिजर्व होती जाएगी. कहां पे? आपके रैम में. समझ में आ रहा है? ओके. सो अपने प्रोग्राम में क्या करना पड़ेगा फिर? यहाँ पे मैं आ गया. इंटीजर नम वन इज इक्वल टू हाउ मच? 100. इंटीजर नम टू इज इक्वल टू हाउ मच? 200. ओके. सो नाउ मैं क्या कर रहा हूं? इंटीजर रिजल्ट इज इक्वल टू नम वन प्लस, सॉरी यहां पे क्यों भाग रहा है, नम टू. नाउ देखो यहां पे इसको टर्मिनल टर्मिनेशन सिंबल कहते हैं. ओके. कोलन. क्या कहते हैं? कोलन. इसे किसे? इस चीज को. विच वन? दिस वन. ओके. यानी कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है? यहां ये रिप्रेजेंट करेगा आपका ये स्टेटमेंट यहीं पे खत्म हो गया. ओके. सेमी कोलन. ओके. इसे कहते हैं सेमी कोलन. ये सेमी कोलन का मीनिंग क्या है? कि आपका स्टेटमेंट यहां पे फिनिश हो चुका है. इंटीजर नम वन दैट इज द वन स्टेटमेंट. इंटीजर नम टू दैट इज द सेकंड स्टेटमेंट. ओके. तो इस हिसाब से ये स्टेटमेंट यहीं पे स्टॉप हो गया, वहीं तक. जैसे कि हम जब भी कोई पैराग्राफ लिखते हैं, राइट, वी आर राइटिंग द स्टेटमेंट्स. स्टेटमेंट लिखने के बाद हम एक डॉट यूज करते हैं. डॉट का मीनिंग क्या है? फुल स्टॉप. फुल स्टॉप, राइट. तो फुल स्टॉप का मतलब क्या है? वहां तक वो स्टेटमेंट खत्म हो गया, राइट, है कि नहीं? तो उसी हिसाब से यहां पे भी फॉर ईच एंड एवरी लाइन वी नीड टू स्पेसिफाई. ये लाइन यहाँ पे खत्म हो गया, राइट. इंटीजर नम वन, ये लाइन यहाँ पे फिनिश. इंटीजर नम टू, नाउ इट्स न्यू लाइन. इंटीजर नम थ्री, न्यू लाइन. इंटीजर रिजल्ट, न्यू लाइन. इन दैट वे ये चीज हमने यहाँ पे डाल दी. ओके. ये हमने यहाँ पे दे दिया और उसको टर्मिनेशन सिंबल दे दिया. देखो ना ना रिजल्ट कहाँ पे आ रहा है मेरा? Where we are going to store the addition of these two numbers? In which variable? कौन से variable में कर रहे हैं? Yes? इसमें कर रहे हैं ना? Result. Right? Result में कर रहे हैं. तो देखो result के values, ये जब statement execute होगी, यानी कि पहला देखो ये वाला statement execute होगा, उसके बाद ये वाला, then third वाला. जब थर्ड वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा ना, एट दैट टाइम इट इज गोइंग टू स्टोर द एडिशन इनटू दिस वेरिएबल. और इस वेरिएबल का वैल्यू अगर मुझे प्रिंट करना है तो सिंपली मुझे यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा. ओके. यानी कि ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन क्या करेगा? आपके रैम से जहां पे भी आपने वैल्यू स्टोर किया है वहां से वो वैल्यूज निकाल के लेके आएगा, प्रिंट करेगा ऑन योर कंसोल. ओके. अभी देखो सर. हाँ बोलो. ये जो क्लास फाइल है ना, ये नया बनाया है क्या अपने आज? हाँ, ये वाला ना. हाँ हाँ, ये नया वाला है. हाँ, इसमें हम कर रहे हैं ना ये प्रोग्राम. यस यस, एडिशन कर रहे हैं. तो जब भी हमें नया प्रोग्राम बनाना होता है तो हम एक फाइल बनाएंगे क्लास फाइल. यस यस यस, एक डॉट जावा फाइल बनाएंगे जिसमें अपना क्लास होगा. मेन मेथड के अंदर होगा ना ये? हाँ, मेन मेथड के अंदर रहेगा. ओके. ओके. देखो यहाँ पे हमने इतना चीज यहाँ पे डाल दिया. ओके. सुनना, अभी मैं रन करके देखूं कि आउटपुट क्या आएगा. यस. चलो
अपना पहला एक ऑपरेशनल प्रोग्राम रन करके देखते हैं. सो नाउ टू रन दैट प्रोग्राम और कंपाइल दिस प्रोग्राम व्हाट वी नीड टू डू, देखो ऑलवेज इट्स अ बेटर प्रैक्टिस टू राइट इट एट डॉट जावा. ये मैंने कंपाइल किया, कंपाइल हो गया. ओके नाउ जावा व्हाट इज द रिजल्ट, आ गया रिजल्ट 300 राइट. सो यहां पे मुझे मैसेज देना है राइट. 300 क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा है राइट. तो हम एक मैसेज भी प्रिंट कर सकते हैं अपने कंसोल पे, वो कैसे, डबल कोट्स में हमने लिखा क्या, एडिशन इज और प्लस. ओके जो कुछ भी हम डबल कोट्स में लिखते हैं दैट इज ट्रीटेड एज ए स्ट्रिंग. तो अपना ये स्ट्रिंग बन गया कंप्लीट और उसको हमने अटैच कर रहे हैं क्या, रिजल्ट. ओके सो लेट्स सी ये दिखाता है क्या ऑन आवर कंसोल. गॉट इट, आ रहा है रिजल्ट अपना एवरीवन. ओके फाइन देन, चलो नाउ एवरीवन हैज टू परफॉर्म दिस प्रोग्राम, यू हैव टू राइट दिस प्रोग्राम. चलो लिखो सब लोग एंड लेट मी सी समझ में आ रहा है कि नहीं. देखो कैसा है ये जो कर रहे हैं ना, ये बेस है. ओके तो बेस कैसे होता है ना, जब भी हम घर बनाते हैं उस टाइम पे ना फाउंडेशन डालते हैं, तो फाउंडेशन अपना कभी भी परफेक्ट होना चाहिए, पिलर्स अपने अच्छे बनने चाहिए, तब जाके अपना बिल्डिंग बनता है राइट. तो हम यहाँ पे अभी अपने पिलर्स परफेक्ट बना रहे हैं एकदम, तो उससे अपना बिल्डिंग अपना घर परफेक्ट बनेगा. ओके सो नाउ स्टार्ट राइटिंग द कोड एवरीवन, सब लोग लिखो चलो एंड शो मी द आउटपुट प्रोग्राम. ओके दिखाओ कौन लिख रहा है, और इफ यू वांट देन यू कैन राइट दिस कोड एज अ नोट. ओके बट आपको यह प्रोग्राम करना है, इट्स वेरी सिंपल वेरी बेसिक प्रोग्राम. लिख रहे हो क्या सब लोग, हाउ मेनी ऑफ यू आर राइटिंग द कोड ऑन योर मशीन, कैन यू रेज योर हैंड्स so that I'll confirm. okay Namira लिख रही है, अजय लिख रहा है, very good. बस दो ही बाकी के, आदित्य, अनिकेत, अश्विन, वैष्णवी, अच्छा आदित्य भी लिख रहा है, प्रतीक भी लिख रहा है, very good. hand raise रहने तो मुझे पता चलेगा. पल्लवी भी लिख रहे, very good. अनिकेत, अश्विन, वैष्णवी, मृणाल, ओंकार, पल्लवी, बोध, पल्लवी, हेरवडे एंड कांबळे, प्रज्ञा, प्रणाली, ये रेडमी 9 AI, नाम तो लिखो यार पता चलेगा मुझे नाम क्या है आपका. रुचिता, सिद्धार्थ, सोनम, सुवर्णा, वर्षा, योगा. देखो ये अपना पहला प्रोग्राम है, एक्चुअली इट्स अ सेकेंड प्रोग्राम राइट. अगर नहीं आ रहा है तो मुझे पूछो, यहां तक हमें आना ही है सबको. ओके प्रणाली, प्रणाली भी लिख रहे हैं, वेरी गुड. योगा, डोंट राइट एनीथिंग ऑन माय सिस्टम. ओके आपका प्रोग्राम हो जाने के बाद सिंपली राइट डन इन मैसेज बॉक्स, यानी कि मुझे पता चल जाएगा. किसी को कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो शेयर योर स्क्रीन ना.
I was not there on yesterday and Java also not installed in my system. Can I get the recording of study session? Yes. Yes, Pradhan. Please contact to Shakila ma'am. मेरा लैपटॉप घर पर है और मैं गांव आई हूँ सो मैं बाद में करूंगी. ओके वैष्णव, नो प्रॉब्लम. यस नेहल, यू वांट टू से समथिंग? स्नेहल पाटिल, देखो प्रोग्राम ना हमें सबको करना है, याद रखना. हम यहाँ पे क्यों आए, व्हाट इज द मेन एम, क्या हमें कंपनी में ही ज्वाइन करना है. वी आर गोइंग टू ज्वाइन कंपनी, राइट. वर्षा महाजन, टुडे इज योर फर्स्ट लेक्चर. ओके, नो प्रॉब्लम. डू यू हैव योर सिस्टम विथ यू? जावा इंस्टॉल है आपके पास? सो जो कल का जो सेशन हुए थे आप एक मिनट में कर लोगे. ओके, नो प्रॉब्लम. सो इंस्टॉल जावा फर्स्ट ऑन योर मशीन. ओके, प्रीवियस वाला रिकॉर्डिंग्स ले लो आप, वहां पे आपको पता चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं. ओके, सो अजय, प्रतीक, आर यू डन विथ योर प्रोग्राम? प्रोग्राम किसका हो चुका है? नो टाइम रहती. क्या हो गया अजय? I am writing. Okay, take your time. आराम से करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ के करो, हमें समझना है. ओके, एक बार अगर हमें चीजें समझ में आ गई तो आगे की चीजें we can do it easily. In chat box we got something. Okay, please fill up that Google form, everyone. Take a 2 minutes and fill that Google form. Hello sir. Okay, Pratik, can you tell me? Yeah, getting error, could not find or load main class. Okay, can you share your screen so that we can see? देखो problems आने चाहिए, errors आने ही चाहिए, तभी मजा आएगा. Right? हाँ प्रदीप, शेयर योर स्क्रीन नाउ. वेरी गुड. हाँ ओके, फाइन, नॉट फाइन. देखो सब लोग, देखो थोड़ा सा ध्यान दो यहाँ पे. नाउ स्टॉप राइटिंग. ओके, सी यहाँ पे क्या बोल रहे, कुड नॉट फाइंड और लोड द मेन क्लास एट डॉट जावा. प्रदीप, कैन यू शो मी वेयर इज योर कोड? कोड कहाँ पे लिखा है आपने? ओके नाउ, ओके सी, यहाँ पे देखो क्लास का नाम क्या है. व्हाट इज द नेम ऑफ आवर क्लास? एग्जाम्पल. एग्जाम्पल, ओके. सो आपने क्या नाम से सेव किया है? क्या नाम से सेव किया प्रोग्राम प्रतीक? अनम्यूट नहीं हो रहा है, लेट मी अनम्यूट यू. अनम्यूट, हाँ फाइन. देखो आपने एड नाम, एड नाम से, तो हमने क्या बोला था कि जो क्लास का नाम रहेगा उसी क्लास से आपका फाइल बनेगा. ओके राइट, तो इसको सेव एज करो. फाइन, सेव एज, सेव नहीं, सेव एज. ओके, एग्जाम्पल डॉट जावा. ओके, दो मिनट, दो मिनट. हाँ अभी सेव एज टाइप पे जाओ, टाइप टाइप, आपने डॉट टेक्स्ट किया है ना?
ऑल फाइल्स ओके नाउ जावा करो हाँ नाउ सेव इट अभी देखो अभी ना गो टू कमांड प्रॉम्प्ट ओके आपका ये जो प्रोग्राम कौन से फोल्डर में है कौन से ड्राइव पे है ई ड्राइव पे राइट यस हाँ सो गो टू द कमांड प्रॉम्प्ट ई कोलन एंटर करो ई कोलन 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 वो जो दो डॉट होते हैं ना वो वाले यस एंटर ओके ई ड्राइव पे आ गया सो ई ड्राइव पे कौन से फोल्डर में आपका कोड है जावा हाँ सुनो सीडी सीडी यानी कि वो फोल्डर के अंदर जाएगा ओके नो गो टू दैट फोल्डर शो मी दैट फोल्डर फोल्डर पे जाओ देखो ई ड्राइव पे जाओ जावा राइट हाँ सीडी जावा वहां पे करो कमांड प्रॉम्प्ट पे जाओ गो टू सीएमडी जाओ सीडी स्पेस स्पेस दो यस जावा यानी कि क्या हो गया अभी हम उस फोल्डर के अंदर आ गए एंटर हिट एंटर राइट ओके नाउ हमें अभी क्या चेक करना है कि चलो उस फोल्डर में कितने फाइल्स है तो एल एस टाइप करो एल एस एंटर करो अच्छा ये एल एस कमांड डिस्प्ले नहीं आता ओके फाइन जाने दो हाँ नाउ अभी आप उस फोल्डर पे आ गए परफेक्टली ओके नाउ एनवायरमेंट वेरिएबल वगैरह सब कुछ हमने सेट किया ऑलरेडी राइट जी सर नाउ नाउ कंपाइल करो हाउ टू कंपाइल जावैक एग्जाम्पल एग्जाम्पल डॉट जावा एंटर ओके क्या बोल रहा है जावैक इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज ए इंटर एक्सटर्नल फाइन सो अभी क्या करो स्टार्ट मेनू पे जाओ वहां पर टाइप करो एनवायरमेंट वेरिएबल्स एडिट ओके नाउ सिस्टम वेरिएबल्स पे जाओ ओके सुनना वहां पे आपने सेट किया है क्या चेक करो डबल क्लिक सर यहाँ पे एडिट नहीं हो रहा न्यू भी नहीं हो रहा ओके 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 ये सिस्टम वेरिएबल सेट करना पड़ेगा आपने शायद एज ए एडमिनिस्ट्रेटर ओपन नहीं किया राइट हाँ ओके कैंसिल करो इसे नाउ अगेन पहले तो हम चलते हैं अपने सी ड्राइव पे गो टू सी ड्राइव और वो पाथ कॉपी करके ले लेंगे अपने बिन वाला गो टू सी ड्राइव प्रोग्राम फाइल्स जावा जेडीके बिन ओके हाँ तो पूरा फाइल कॉपी करो ओके नाउ नाउ वहां पे सर्च करो एनवायरमेंट वेरिएबल्स हाँ, अभी राइट क्लिक करो उस पे राइट क्लिक हो रहा है डायरेक्टली हो रहा है सर ऊपर ओके फाइन यहाँ पे सेट करके देखो पाथ न्यू पाथ करो न्यू पाथ न्यू लिखो जावा पाथ हाइफन पाथ चलेगा और वेरिएबल वैल्यू दे दो उधर ओके करो अनदर ऑप्शन गो टू योर ई ड्राइव हाँ ई ड्राइव पे जाओ जहाँ पे हाँ अभी न्यू वॉल्यूम बैक जाओ पीछे जाओ अप जाओ गो अप एंड ये फोल्डर कॉपी करो हाँ इस फोल्डर को पहले ये करो वेट 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 ये जो फोल्डर है रिनेम करो इसको रिनेम करो हाँ जावा जावा प्रैक्टिस
करते हैं। ओके एंटर। सी अच्छा वो ओपन किया होगा ना दूसरे इसमें, उसको क्लोज करो, उसको क्लोज करो। किसे? प्रोग्राम को, प्रोग्राम को, प्रोग्राम को क्लोज। हाँ क्योंकि वो ओपन है ना वहां से। यस हाँ। नाउ रिनेम करो। सब लोग थोड़ा ध्यान दो हम क्या कर रहे हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो जावा का फोल्डर है ना, जहां पे अपना मेन फोल्डर है वहीं पे मैं डायरेक्टली उसको, हाँ जावा एग्जांपल। ओके दो मिनट ट्राई, कैंसिल करो इसको। वहां पे सारे फोल्डर्स क्लोज कर दो, तुमसे कहीं भी तो ओपन है। कमांड प्रॉम्प्ट, हाँ ये जावा में थे ना यार, कमांड प्रॉम्प्ट, कमांड प्रॉम्प्ट भी क्लोज कर दो। सीएमडी ओके ना, नाउ गो टू दैट फोल्डर, जावा प्रैक्टिस करो उसको, जावा प्रैक्टिस और जावा जो फीडबैक कर रहे थे अभी। ओके फाइन, नाउ कॉपी करो इसे। कॉपी किया क्या सर? कॉपी करो इस फोल्डर को, कॉपी करो, राइट क्लिक एंड कॉपी। क्या सर? ओके नाउ गो टू सी ड्राइव, प्रोग्राम फाइल्स, जावा, नहीं नहीं हाँ सी ड्राइव प्रोग्राम फाइल्स जावा जेडीके बिन, यहाँ पे पेस्ट कर दो फोल्डर। पेस्ट हो गया? नहीं सर पेस्ट नहीं हुआ। राइट क्लिक करके पेस्ट करो वहां पे। नाउ राइट क्लिक एंड पेस्ट, कंटिन्यू। ओके नाउ ऊपर ना, उस ऊपर जो हम पाथ निकलते थे ना वहां पे जाके सीएमडी टाइप करो अभी। सीएमडी ओके एंटर। नाउ सीडी, सीडी स्पेस जावा प्रैक्टिस, टैब दबाओ आ जाएगा पूरा आगे। ओके एंटर। ओके हम अभी आ गए उस फोल्डर में डायरेक्टली। ओके वहीं पे आ गए। हाँ ना क्या करेंगे, जावा सी, जावा सी एग्जाम्पल डॉट जावा। क्यों भाई यहाँ पे भी नहीं कर रहा? ओके जावा ये करो, जावा स्पेस हाइफन वर्जन बता रहे एग्जाम्पल, जावा सी एग्जाम्पल 54 कंट्रोल options. Okay, fine. एक काम करो, go to the explorer, back जाओ, back. इस folder के अंदर जाओ। कौन सा सर? Java practice के अंदर। हाँ, example.java जो है ना, उसको copy करो। सिर्फ कॉपी, बिन में जाके पेस्ट करो, गो बैक अप लेवल वन लेवल अप, यहाँ पे जाओ पेस्ट करो, कंटिन्यू। ओके नाउ गो टू कमांड प्रॉम्प्ट, सीडी डॉट डॉट एंटर।
Now javac, java c, example.java. ओके फाइन, अपना यहाँ पे फाइल रन हो गया अभी. नाउ अभी देखो ये लाइन नंबर 7 पे कुछ तो एरर बता रहे. ओके नाउ देखो यहाँ पे वी आर एबल टू रन दैट कोड. ओके सो सी लाइन नंबर 7 पे क्या प्रॉब्लम है देखो अभी कोड में जाके. नाउ गो बैक, हाँ उस फाइल को ओपन करो, राइट क्लिक, ओपन विथ नोटपैड प्लस प्लस होगा तो उससे भी ओपन करो, कोई प्रॉब्लम नहीं. सर यस स्मॉल ए सिस्टम का यस, सॉरी सिस्टम का यस स्मॉल ए स्मॉल, यस कैपिटल होना चाहिए, यस स्मॉल ए. एंड आगे चेक करो उन्होंने क्या किया है, उसी लाइन पे रिजल्ट इज इक्वल्स टू रिजल्ट डाला हुआ, राइट, देयर वी आर एक्सपेक्टिंग प्लस सिंबल, राइट. हाँ और जावा इज अ केस सेंसिटिव, दो मिनट go back, java is a case sensitive, right. So जैसे कि अभी उन्होंने बताया yes, yes का system का yes capital चाहिए कि small चाहिए, it's a class name, right. yes, so we are expecting as a capital letter, capital दो, okay. yes. And now public static void main के अंदर strings array of arguments ऐसे देते हैं, yes capital strings are ठीक है, array दे दो. हाँ array कैसे बनाएंगे, square brackets open close. Okay now control yes all files example dot java डॉट जावा दे दो उसको, रिप्लेस यस, या आई वांट टू रिप्लेस इट, यस यू हैव द परमिशन टू ओपन दिस फाइल्स, यू ओनर ऑफ द फाइल और यू हैव टू ओपन द परमिशंस. ओके एक्चुअली कैसे हो रहा है ये जो आपने ये किया है ना, आई थिंक सो आप गेस्ट में गए हुए हैं, लॉगिन किया है, सो वो एडमिनिस्ट्रेटर के परमिशन आपके यहाँ पे नहीं मिल रहे, सो हम environment variables भी set नहीं कर पा रहे. ओके कोई बात नहीं, जस्ट कॉपी इट, सेव करो. ओके सेव नहीं हो पा रहा है, राइट, नहीं सेव नहीं हुआ. ओके इट्स नॉट गेटिंग सेव, तो उसको आउटसाइड सेव करके फिर से एक बार सेव करके देखो, आउटसाइड कर दो, सेव एज कर रहे हैं ना, सिर्फ कंट्रोल यस करके देखो ना, कैंसिल करो उसे. हाँ ऊपर जाओ, फाइल नहीं हो रहा सर, कंट्रोल एस के बाद ही आ रहा है सर, वही वो सेव एज ही आ रहा है. तो ई ड्राइव पे जाओ, अभी गो टू ई ड्राइव, इसको बंद कर दो. नहीं नहीं हाँ वहीं पे ई ड्राइव पे जाओ, हाँ वो जो जावा प्रैक्टिस है उसके अंदर जाओ, अभी यहाँ पे सेव कर दो उसको डॉट जावा देखे, और यह फाइल हम वहाँ पे कॉपी कर लेंगे, एग्जाम्पल डॉट जावा. सेव कर दो, डू यू रिप्लेस इट, यस ओके रिप्लेस हो गया. नाउ यही फाइल फिर से कॉपी पेस्ट कर दो इसी लोकेशन पे, आप एडमिनिस्ट्रेशन के परमिशन ले लो. ओके रिप्लेस कंटिन्यू. Okay, now run. Compile and run. Okay, आप कुछ पे बाकी है वहां, let me check. देखो कर्ली ब्रैकेट कितने ओपन किए और कितने क्लोज किए चेक करो. ओके देख रहे हैं. नाउ कंट्रोल एस. ओके यस सर, एग्जांपल का ए पन कैपिटल होना चाहिए ना, क्लास का
कैसा, इट्स ऑप्शनल ओके, लेकिन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड क्या कहता है, क्लास नेम इज ऑलवेज स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर वो हम स्टैंडर्ड्स आगे हम लेने वाले हैं, सो अभी मैं ऐसे ही कंसीडर कर रहा हूँ, चलो लेकिन आगे जो प्रैक्टिस करेंगे हम सारे हमें ऐसे ही करना पड़ेगा ओके. यस फाइन. नाउ अगेन यू हैव टू कॉपी एंड पेस्ट इट टू दैट लोकेशन. प्रतीक क्योंकि ये वहां पे से हो गया ना, ई ड्राइव से हो गया वो, ई ड्राइव पे जाओ फिर से उसको कॉपी और पेस्ट कर दो इसी लोकेशन पे. आज एक दिन करना पड़ेगा आपको. Yes. Continue. Now try. देखो ध्यान से एरर क्या क्या आते हैं अपने पास. यूज अप एरो भी अगर यूज किया तो भी आपको आ जाएगा ओके. अप और डाउन एरो. Okay, now see. Cannot find the symbol. देखो सब लोग ध्यान से देखो यहाँ पे क्या हो रहा है. क्या बोला, एट लाइन नंबर फाइव. लाइन नंबर फाइव पे इनको क्या बता रहा है कि रिजल्ट क्या है उसे पता ही नहीं चल रहा. राइट, यू कैन नॉट फाइंड द सिंबॉल. क्यों, क्योंकि रिजल्ट इज इक्वल टू नम वन प्लस नम टू लिखा आपने, बट वो रिजल्ट क्या है उसको ना मेमोरी में मिल ही नहीं रहा है. राइट, आपके रैम में मिल नहीं रहा है रिजल्ट. क्यों नहीं मिल रहा, नंबर स्पेसिफाई नहीं किया. यस, वैल्यू नहीं किया. नाउ गो टू कोड अगेन. देखो अभी यहाँ पे रिजल्ट, रिजल्ट जो लिखा है ना आपने नीचे, हाँ नंबर ने जो नंबर लिखा ना, तो उसका डेटा टाइप लिखा क्या आपने, क्या है वो, इंटीजर है, फ्लोट है, कैरेक्टर है, स्ट्रिंग है. राइट, यस, हाँ. तो वहां पे आप इसको जब डिक्लेयर करोगे वहीं पे लिखा तो भी चलेगा, इन फ्रंट ऑफ रिजल्ट, रिजल्ट के पहले इंट लिखो स्पेस. राइट, यानी कि अभी क्या हो गया मालूम ना, उसने रिजल्ट नाम से आपके रैम में स्पेस क्रिएट कर दिया. इससे पहले क्या हो गया था, आपने वो वेरिएबल रिजर्व ही नहीं किया आपने रैम में, तो उसको मिल ही नहीं रहा था, तो इसलिए रिजल्ट क्या रहा था, एरर क्या रहा था, चेक करो, गो बैक टू द कंसोल. देखो एवरीवन वो छोटी छोटी चीजें सीख रहे हैं हम. एरर क्या बता रहा था, एरर इज इक्वल टू क्या है, कैनॉट फाइंड द सिंबल. विच वन, नीचे एरो दिया है उसने, कौन सा सिंबल नहीं मिल रहा उसको, रिजल्ट. रिजल्ट इसका मीनिंग क्या हो गया फिर, वी हैव नॉट डिक्लेयर्ड दैट वेरिएबल, और वो वेरिएबल उसको आपके रैम में नहीं मिल रहा है, इसलिए कैन नॉट फाइंड. ओके, नाउ सिंपली सेव इट. सर इसको स्पेसिफाई नहीं करना पड़ेगा, नंबर वन नंबर टू, नंबर वन नंबर टू वो आगे आएगा ना एरर आपको. Okay. इसलिए मैंने नहीं बताया. राइट, अगेन यू हैव टू कॉपी एंड पेस्ट दैट प्लेस. सेव करो. अगर यहाँ से डायरेक्ट ओपन किया तो सर फिर कॉपी करने की जरूरत नहीं रहेगी. यहाँ से ओपन हो रहा है क्या, देखो ओपन भी हो रहा है लेकिन वो ये नहीं हो रहा ना, क्या कहते हैं, हाँ एडमिनिस्ट्रेटिव, हाँ सेव नहीं हो रहा ना. यस, वो प्रॉब्लम आ रहा है. दो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करके रखो, दो एक्सप्लोरर, एक ए फोल्डर एक वो फोल्डर, और वहाँ पे पेस्ट करो और ट्राई टू गेट द एक्सेस परमिशन. ओके, गो टू द सी ड्राइव. राइट, आपने यहाँ से कॉपी किया लगता है, कॉपी करो और वहां पे पेस्ट कर दो. नाउ पेस्ट इट. ये सारी चीजें ना हमें एक ही बार सीखने हैं, एक बार हम सीख गए तो आगे हम गलतियां करने ही वाले नहीं है, बिकॉज सारी चीजें अपने दिमाग में फिट हो जाएंगी. ओके, चलो ये दो फाइल ओपन हो गए, कॉपी एंड एग्जाम. कॉपी कैसे क्या बन गया इसका,
डिलीट कर दो, डिलीट कर दो उसको। और सिंपली पेस्ट कर दो उसको फिर से। रिप्लेस यस वैल्यूज आर आल्सो नॉट मेंशन, वही चेक कर रहे हैं हम। अगर वैल्यूज नहीं दिए तो क्या करेगा वो, राइट? वो दोनों डाल दो, एरो की यूज करो प्रतीक, एरो की। हाँ एरो की, यानी कि मोस्ट रिसेंटली हिट एक दो कमांड से था ना वो आ जाते हैं। देखो एंटर नाउ, देखो अभी क्या कर रहा है, वेरिएबल नम वन माइट नॉट हैव बीन इनिशियलाइज्ड एंड नाउ नम टू माइट बीन इनिशियलाइज्ड, यानी कि क्या कर रहा है, इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल्स। इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल्स का मीनिंग क्या हो गया कि उसको वैल्यू दो, कुछ तो किसका एडिशन करूं मैं, राइट? मेमोरी में आपने स्पेस बना लिया, स्पेस बनाने के बाद उतना थोड़ी ही चलेगा, लेकिन उसमें आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा कि कौन से वैल्यूज आप डाल रहे हो अंदर। इट्स अ नंबर, राइट? 1, 2, 3 है, 100 है, 20 है, कितने नंबर्स है, राइट? व्हाट नंबर इट स्टोर्स, वो चीज आपको बताना पड़ेगा, राइट? जी समझ में आ रहा है? जी सो नाउ गो टू द कोड एंड initialize with some values. Is equals to semicolon, yes. अभी यहाँ पे क्या हो गया, initialization. Actually इसको define भी कहते हैं हम, values हम उसको define कर रहे हैं उस variables को. Okay. Now yes. Save. Copy and paste again. Then destination. Replace. Yes. Now go to the command prompt and see. Kya aata hai abhi? Hooray, we got one more. Called access denied error while writing the example. यहाँ पे वो dot class file उसको create नहीं करने दे रहा है. It's a access permission issue. Okay. हाँ अभी यानी कि code अपना perfect है, कोई problem नहीं है इसे, ठीक है? लेकिन यहाँ पे problem अभी क्या आ रहा है कि आपको आपके machines पे access permissions दे रहा है. Because वो क्या करेगा, अभी कौन सा file generate करेगा ये compiler? डॉट क्लास फाइल जनरेट हो जाएगा और वो सी ड्राइव में आपके यहाँ पे वो ऑटो जनरेटेड फाइल को नहीं दे रहा, बिकॉज ऐसे भी हो सकता है वो वायरस हो, राइट? तो इसलिए वो सिक्योरिटी इश्यू है, इसलिए आपको एक्सेस नहीं दे रहा. सो बेटर वे व्हाट विल डू, लॉग इन एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, ओके? Write once this program. Okay. Okay. Now, is there anyone who has written this code? Yes, sir. Now you can share your screen, please. Let me see. Error आ रहा है इसमें. वही तो हमें आने चाहिए. Error आएंगे तभी सीखेंगे. Good morning. Pratik, mute yourself. अजय शेयर करो स्क्रीन. यस कोड कहाँ पे आपका? नहीं दिख रहा क्या? नहीं नहीं सिर्फ ज़ूम का ये दिख रहा है हमें. Have you shared the screen? एक मिनट. हाँ यहाँ पे दिख रहा है. अभी दिख रहा है यूअर शेयरिंग स्क्रीन. हाँ ठीक है, वहाँ पे जाओ, नोटपैड प्लस प्लस पे जाओ एक बार.
go to notepad plus plus. Okay, fine. यहाँ पे आ गए. Right, we are getting ready. Okay, so now देखो आपने क्या बनाया. Class add बनाया. Class का नाम add है. Okay, so add dot java बनाया. Find integer num1 is equals to 100, num2 is equals to 200, integer result is equals to num1 plus num2. System dot out dot print and then. Okay, और आप print कर रहे result. Okay, so now let's compile that code. Compile करो. फाइल नॉट फाउंड बोल रहा राइट बिकॉज सी सी आपने हाँ यहाँ पे हाँ जावा हाइफन वर्जन करो जावा सी नहीं जावा जावा ओनली जावा सिर्फ जावा हाइफन वर्जन चेक करना है हाँ. एंटर ओके फाइन ना आप आपका ये कोड कहाँ पे स्टोर किया है आपने इन विच ड्राइव विच फोल्डर यहाँ पे ओके नाउ गो टू दैट एक्सप्लोर यूआरएल यहाँ पे बनता है वहां पे जाओ और सीएमडी टाइप करो ओके डी ड्राइव जाओ प्रोग्राम हाँ गो टू कमांड प्रॉम्प्ट सीडी स्लैश नहीं एक काम करो निकाल दो पूरा निकाल दो डी ड्राइव डी कोलन डाल दो डी और कोलन डी डबल डॉट हाँ कोलन कोलन राइट नहीं नहीं ये सेमी कोलन हो गया कोलन यानी कि वो डबल डॉट वाला शिफ्ट दबा के प्रेस करो हाँ नाउ एंटर एंटर हाँ अभी यहाँ पे कौन सा फोल्डर है अपना डी डी ड्राइव पे जावा फोल्डर है ना फोल्डर का नाम क्या चेक करो जावा प्रोग्राम अभी इस फोल्डर के अंदर जाना है चलो जावा प्रोग्राम डालो क्या सीडी सीडी जावा प्रोग्राम सीडी स्पेस स्पेस जावा प्रोग्राम टैब दबा दो टैब बटन आ जाएगा ऑटोमेटिकली Now enter. Enter. Okay, हाँ now Java C. Java C. Space add dot Java. Add नाम से किया ना आपने? Add dot Java. Now enter. Okay, compiled. कोई error नहीं है. Okay. ना अभी देखो जावा स्पेस ऐड लिखो अभी स्पेस ऐड गॉट द रिजल्ट गॉट इट ग्रेट चलो किसने तो रन किया प्रोग्राम है ओके फाइन या कीप इन माइंड मैं आपको बता देता एक चीज सबको ओके Let me share my screen now. Stop sharing. Okay, is my screen visible to all? Okay. So देखो, सब लोग थोड़ा सा ना problem face कर रहे हैं मैं बता देता हूँ ध्यान से देखो थोड़ा सा okay? आप जब भी कोई एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो ओके जब आप इंस्टॉल करते हो ओके तो वो कहां पे जाता है सी कोलन स्लैश प्रोग्राम फाइल्स नाम के फोल्डर में जाता है राइट ओके तो यहां पे जब आप जावा इंस्टॉल करोगे तो जावा कहां पे आने वाला है इस फोल्डर में आएगा राइट जावा जेडीके स्लैश बिन बिन यानी कि ये पाथ इंपॉर्टेंट होता है इस पाथ में ही सारी चीजें राइट और होता है कैसे मैं बता देता हूँ नेक्स्ट चीज तो जब भी आप कोई कोड लिखोगे
एक्सेसिबल कहाँ से है? कैन यू म्यूट योरसेल्फ फॉर अ संजीव संजीव चलो म्यूट योरसेल्फ प्लीज ओके थैंक यू सो देखो यहाँ पे इस लोकेशन पे आपका जावा है राइट तो आपको क्या करना है यहां पे जाके आपका फाइल क्रिएट करना है क्रिएट जावा फाइल एट दिस लोकेशन ओके इस लोकेशन पे जाके आपको बनाना पड़ेगा ना डॉट जावा फाइल यानी कि कैसे है नया पिक्चर रिलीज हुआ है सर हाँ आज बता रहा हूँ वहीं पर मैंने सेव किया था और फाइल डॉट एड डॉट जावा ऐसे करके सोर्स फाइल सेव किया था लेकिन वो रन नहीं हुआ था तो क्या इशू था उसका हाँ मैं वही बता रहा हूँ ओके वही चीज बता रहा हूँ थोड़ा सा हाँ कि पेशेंट या तो देखो यहाँ पे तो नया मूवी कल रिलीज हुआ है कल परसों अवतार लेट्स कंसीडर तो ये मूवी देखने के लिए आपको थिएटर जाना पड़ेगा ना थिएटर में जाना पड़ेगा कि नहीं अभी थिएटर का लोकेशन होता है ना उस लोकेशन पे जाके ही आपको मूवी देखना पड़ेगा यू कैन वॉच एट दैट प्लेस राइट ओके तो जावा जो है अगर आपको प्रोग्राम लिखना है तो जावा का लोकेशन कहां पे है ये है आपके जावा का लोकेशन ओके ये आपका जावा का लोकेशन है इस लोकेशन पे आपको जाना पड़ेगा राइट और वहां पे जाके आपको कोड लिखना पड़ेगा ये चीज हो गया लेकिन सेकंड ऑप्शन क्या है अवतार मूवी जो है और कोई भी एक मूवी रहने दो ओके नॉट ओनली अवतार सो हम ओटीटी प्लेटफॉर्म भी है ना यानी कि हम इंटरनेट पे भी देख सकते हैं ना कहाँ पे घर पे बैठे के भी हम मूवी देख सकते हैं तो वहीं पे देखेंगे हम ओके तो अगर आपको ये चीज चाहिए इंटरनेट के थ्रू घर पे बैठ के आप देखना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा सब्सक्राइब करना पड़ेगा ना टू ओटीटी प्लेटफॉर्म यानी कि कौन से प्राइम नेटफ्लिक्स राइट नेटफ्लिक्स ऐसे लाभ 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 जो कुछ भी है उसको आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा So, उसी हिसाब से अगर आपके यहाँ पे सी ड्राइव है डी ड्राइव है ई ड्राइव है ओके कहीं पे भी बैठ के मुझे क्या करना है प्रोग्राम में कहीं पे भी लिखूं ओके ई ड्राइव पे भी एक मेरा जावा फोल्डर है ओके जावा फोल्डर है उसमें मैंने लिखा है मेरा एड डॉट जावा ओके तो ये चलना चाहिए रन होना चाहिए तो क्या करना पड़ेगा जैसे हम ये मूवी देखने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है सब्सक्राइब करना पड़ रहा है ना ठीक है नहीं तो उसी हिसाब से अगर आपका जावा कोड आपके लैपटॉप पे आपके सिस्टम पे कहीं पे भी अगर रन होना चाहिए तो क्या करना पड़ेगा आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को बताना पड़ेगा ना ऑपरेटिंग सिस्टम को बताना पड़ेगा सब्सक्राइब करना पड़ेगा ओके कि आपका जावा कहाँ पे है ओके उसको देना पड़ेगा जावा फाइल कैसे हाउ बाय सेटिंग एनवायरनमेंट वेरिएबल समझ में आ रहा है तो ये एनवायरनमेंट वेरिएबल कहाँ पे मिलेगा go to start menu and type करो क्या environment variable आपको मिल जाएगा edit environment variable
वहां पे जाके आपको ऑप्शन मिलेगा, कौन सा ऑप्शन, एनवायरमेंट वेरिएबल, वहां पे कहां पे जाना है, सिस्टम वेरिएबल्स में, वहां पे जाके क्या करना है, पाथ चेक करना है। ओके, पाथ पे जाओ, न्यू क्लिक करो, अदरवाइज न्यू वेरिएबल बोलो। ओके, न्यू वेरिएबल बोल के वहां पे नेम दे दो, नेम क्या देना है, नेम दे दो जावा पाथ। ओके, और उसका वैल्यू दे दो लोकेशन। अब ये लोकेशन क्या है अपना, जावा का लोकेशन किधर है, यस कोलन स्लैश प्रोग्राम फाइल्स स्लैश जावा स्लैश जेडीके स्लैश बिल, ये वाला पाथ दे दो उसको। राइट, तो अभी क्या हो गया, आपने बाय परफॉर्मिंग दिस ऑपरेशन आपने उसको सब्सक्राइब किया, किसे सब्सक्राइब किया, जावा को सब्सक्राइब किया, जावा और आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को लिंक कर दिया आपने, एंड नाउ यू आर फ्री टू राइट योर कोड फ्रॉम एनी प्लेस, यू कैन एग्जीक्यूट योर जावा कोड फ्रॉम एनी प्लेस। ओके, अभी आप क्या करते हो मैं बता देता हूं। ओके, नेक्स्ट क्या करते हो, मिस्टेक, हाँ आप मिस्टेक क्या करते हो बता रहा हूं, ओपन कमांड प्रॉम्प्ट। ओके, जब हम कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते हैं, देखो मैंने यहाँ पे गया और यहाँ पे मैंने सीएमडी टाइप किया, दो मिनट मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। ऑन टू ई ड्राइव में, ई ड्राइव पे जावा प्रोग्राम नाम से मैंने फोल्डर बना के उसमें एड डॉट जावा बनाया। ओके फाइन, सो मेरे एड डॉट जावा का लोकेशन कहाँ पे है कोई बताएगा, on which drive, yes कौन से ड्राइव पे, E drive पे है। okay fine, so now E drive पे मेरा कोड बन रहा है। okay और आप क्या करते हो, देखो CMD ओपन कर दो, तो लोकेशन क्या बता रहा है, what is the location, ये वाला लोकेशन क्या है, C:\user/testing_shastra। सो इन दिस वे आपके यहाँ पे क्या हो जाता है, यूजर पे चले जाते हो आप। ओके, सो मैं यहाँ पे चला जाता हूँ, ओके कमांड प्रॉम्प्ट पे इस लोकेशन पे मैं चला जाता हूँ और मैं यहाँ पे करता हूँ java@add.java, लेकिन मुझे बताओ जावा किधर है मेरा, इस लोकेशन पे है क्या, इस लोकेशन पे है मेरा जावा, नहीं, मेरा करेक्ट लोकेशन क्या है, दिस वन, राइट है कि नहीं, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, इस लोकेशन पे जाना पड़ेगा। तो कैसे करते हैं हम इस लोकेशन पे जाने के लिए, सिंपली ये जो है C:\, इन दिस वे, दो मिनट देखो, बहुत ही बेसिक चीज बता रहा हूं जो कि कभी मिस्टेक कभी नहीं होनी चाहिए, आई डोंट थिंक सो कि ये चीजें कोई बताता होगा। यहां पे जाके आप क्या करते हो, सिंपली E:\ और एंटर करते हो, तो क्या होता है, तो ई ड्राइव पे जाएगी, हम चले जाते हैं ई ड्राइव पे, राइट, ई ड्राइव पे आप चले जाते, ऐसे बनता है। तो आगे क्या करना है, सिंपली सीडी जावा प्रोग्राम, राइट, तो कहां पे आ गए अभी आप, इस लोकेशन पे आ गए, राइट, तो मैं ये हटा देता हूं एंड लेट्स कंसीडर आई एम एट दिस लोकेशन, राइट, तो फिर मैं यहां पे जाके अभी क्या टाइप करूंगा, फिर एंड रिमूव दिस, सिंपली यहां पे जाके मैं टाइप करूंगा जावा C:\, क्यों, बिकॉज मेरा जावा कोड जो था इस लोकेशन पे था, जावा कोड कहां पे था, E:\
slash java program slash app dot java, ये मेरा लोकेशन है, राइट? कोड लोकेशन, तो इस लोकेशन पे मुझे जाने के लिए आई नीड टू परफॉर्म दिस ऑपरेशन. समझ में आ रहा है एवरीवन? दिस इज आवर मिस्टेक, हर बार कर रहे हैं हम. सो डोंट डू दिस. नाउ इफ यू फॉलो दिस, आपका कोड आप कहीं से भी रन कर सकते हो. किसी को कोई डिफिकल्टी आ रही है यहां पे? एनीवन? सर आपने ये क्या क्या किया, कुछ समझ में नहीं आया? देखो तो बातें करो, अगर समझ में आया तो समझ में आया बोलो, बैकग्राउंड नॉइज चलेगा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके? बात करके आप म्यूट कर दो. आई नो कि हम घर पे है, हाँ, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली मेरे यहां से भी आवाज आ सकती है, डोंट वरी. सो बैकग्राउंड नॉइज डजंट मैटर्स, बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि सब लोग बातें करेंगे ऐसे बैठे रहने के बजाय. आस्क एनीथिंग. समझ में आ गया सबको अभी? यस यस, पल्लवी सेज यस, हाँ, ओके, फाइन. सो देखो ये फॉलो करो, आपको कहीं पे भी एरर नहीं मिलेगा. एरर कौन सा एरर? रन करने के लिए प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, ओके? अब ये और एक चीज बताता हूं नेक्स्ट, ओके? द वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, देखो कंपाइल का मतलब क्या है? कंपाइल जावा प्रोग्राम, इससे क्या होता है कोई बता सकता है? व्हाट हैपन इफ यू डू दिस? कन्वर्ट द सोर्स कोड इनटू बाइट कोड. ओके, वेरी गुड. कन्वर्ट द सोर्स कोड टू बाइट कोड, करेक्ट, 100% करेक्ट आंसर. और कुछ? जब हम प्रोग्राम रन कर रहे हैं तब हमें एरर्स कब आते हैं? व्हेन वी आर गेटिंग द एरर्स? जब हम कंपाइल करते हैं. संजीव कुमार से, सर कमांड प्रॉम्प्ट पर रन करना जरूरी है क्या? या क्यों जरूरी है? बिकॉज इट्स अ बेसिक वन, ओके? इट्स अ वेरी बेसिक थिंग. अगर आप डायरेक्टली इक्लिप्स वगैरह यूज करोगे ना, तो ये बैकग्राउंड में ये चीजें कभी पता नहीं चलेगी आप. तो ये चीजें भी हमें सीखनी है. दिस इज द कोर, मैंने बताया था. इफ आई ओपन यू नो इक्लिप्स, मैंने डायरेक्टली ओपन किया ना, देखो मेरे पास इक्लिप्स भी है, एसटीएस भी है, सब कुछ है, डायरेक्टली आई ओपन, ओके? इस पे ओपन करके डायरेक्टली मैं दिखा दूंगा आपको, ओके? हाँ, क्या ऐसे ऐसे यहाँ पे कोड करते फिनिश, दो मिनट का काम है, टेंशन क्यों ले रहे हो, राइट? बट उससे वो चीज आप नहीं सीखोगे जो मैं बता रहा हूं. दैट इज द बेस, दैट इज द कोर, इट्स अ वेरी बेसिक थिंग. देखो यहाँ पे गए, न्यू फाइल में गए, न्यू प्रोजेक्ट बोला, ओके? और हम बना रहे कौन सा? जावा प्रोजेक्ट, ओके? यहाँ पे जाके प्रोजेक्ट्स में गए और आपने बनाया इनिशियलाइजेशन टूल्स एनकाउंटर प्रॉब्लम, ठीक है? चलो जावा प्रोजेक्ट बनाया, नेक्स्ट किया, ठीक है? प्रोजेक्ट का नाम देता हूं मैं, फर्स्ट जावा प्रोग्राम, ओके? प्रोजेक्ट का नाम दे रहा हूं, थैंक्स सर, ओके, ओके. इसको मैंने नेक्स्ट किया और इसको फिनिश कर दिया, फाइन. अभी जावा प्रस्पेक्टिव मुझे ओपन करने के लिए बोलेगा, बिकॉज मेरा प्रस्पेक्टिव अभी अलग है, मैं अवेन प्रोजेक्ट का था, ओके? तो वो जावा प्रोजेक्ट में ओपन हो जाएगा, फाइन. ये आपका फर्स्ट जावा प्रोग्राम आ गया. अभी देखो ये आपका सोर्स है, ये स्ट्रक्चर, इसमें क्या करना है आपको? अभी आप नया क्लास बनाओगे,
लेट मी क्रिएट, देखो यहाँ पे न्यू क्लास बोल दूंगा मैं, क्लास का नाम दे दूंगा, क्या देना है फर्स्ट प्रोग्राम, और यहाँ पे दे दिया पब्लिक स्टैटिक वॉइड, वो भी ऐड कर दे। चलो देखो वो क्या कर रहा है, अभी डायरेक्टली कोड भी बना दिया, कोड लिखा क्या आपने अभी कुछ यहाँ पे, मैं अभी डाल देता हूँ शॉर्टकट में सिस आउट, यानी कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, यहाँ पे डाल दिया मैंने वेलकम टू, वेलकम टू सीएस, ओके सेव कर दिया, और यहीं से मैंने रन कर दिया जावा एप्लीकेशन रन कर, देखो आगे रिजल्ट कंसोल में, इट्स वेरी सिंपल। लेकिन ये चीज जो हम लिख रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, इसके पीछे क्या हो रहा है कब पता चलेगा आपको, जब हम ये चीजें करेंगे, राइट ये चीजें कर रहे हैं ना हम, यस सर, हाँ इट्स अ वेरी सिंपल वन, दो मिनट में आपको पता चलेगा, लेकिन उससे नहीं होगा कुछ भी, यानी कि कुछ पता नहीं चलेगा मोस्टली, बाकी जगह पे डायरेक्टली ये चीज यूज करके बता देते हैं, चलो ऐसे ऐसे ये करना है, हो गया, देखो इट्स अ वेरी सिंपल वन, अरे ऐसे नहीं होता, ओके हमें हर एक चीज सीखना है एकदम बेसिक से, कहीं पे भी कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए हमें ऐसे बताया हमें चीज, राइट वहां पे तो देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कंपाइल कर रहे हैं, बाद में रन कर रहे हैं, वहां पे क्या कर रहे थे इंग्लिश में डायरेक्टली रन, रन करो वो कंपाइल भी करेगा और रन भी कर देगा, ओके ये चीज होता है वहां, तो हमें ये चीज नहीं करना है एक्चुअली, हमें सब कुछ डिटेल में सीखना है, ओके इसको आप देते हो आपका इनपुट प्रोग्राम, इनपुट जावा कोड देते हो, ओके अगर आपके जावा कोड में सिंटैक्टिकल एरर होते हैं, क्या होता है सिंटैक्स एरर, जैसे कि सेमीकोलन मिसिंग है, कर्ली ब्रैकेट क्लोज नहीं किया, ये मिसिंग है, राइट अनडिफाइंड वेरिएबल्स, राइट तो ये जो कुछ भी देता है ये कौन देता है, कंपाइलर, यानी कि कंपाइलर पहले चेक करेगा कि आपने सिंटैक्टिकली आपका कोड लिखा है कि नहीं, ओके अगर आपने सिंटैक्टिकली करेक्ट कोड लिखा है तभी वो बाइट कोड में आएगा, डॉट क्लास फाइल जनरेट करेगा, अदरवाइज इट विल गिव अस द एरर, समझ में आता है देखो फॉर एग्जाम्पल जब हम खाना खाते हैं ना, एनीथिंग जब हम खाना खा रहे हो, पानी पी रहे, एट दैट टाइम लेट्स कंसीडर खाना खाते टाइम पे समथिंग केम इनटू आवर बाइट, ओके कुछ कंकड़ आ जाते हैं, कुछ छोटे छोटे पत्थर आ जाते हैं, राइट ठीक है, चिकन बिरयानी खा रहे हो और अचानक से उड़ते उड़ते आपके पास लाइट का कीड़ा आके गिर गया, पता चलेगा कि नहीं एक कंकड़ आ गया, पता चलेगा कि नहीं कैसे, वो कंकड़ क्या होता है आपके दांत को लगता है, राइट जब आप मुंह में डालते हो ना वो पत्थर जो होता है ना वो आपको मुंह में लगता है, सो आप क्या कर देते हो उस टाइम पे, यू आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट इट, राइट वो आप निकाल के फेंक देते हो, अरे काय आला है हाँ दगड़ कुटना आला हाथ में, राइट तो आपका माउथ क्या है, व्हाट इज द माउथ, दैट माउथ इज द परफेक्ट कंपाइलर फॉर द ह्यूमन बॉडी, राइट वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, मतलब जेवण करताना थोडस मीठ जास्त झालं, थोडस तिखट जास्त झालं, ओके थोडस खारा लग रहा है, थोडं ज्यादा तिखा लग रहा है, ये कोण बताता है, अपना माउथ बताता है, राइट अगर सब कुछ परफेक्ट रहा देन ओनली वी आर गोइंग टू इन इट, राइट तो वही चीज क्या करता है कंपाइलर करता है, ये कंपाइल जावा प्रोग्राम यानी कि क्या है, दैट इज नथिंग बट आवर कंपाइलर, ओके अपना कंपाइलर, वो कंपाइलर आपके जावा कोड लेता है, उसको कंपाइल करता है, चेक करता है सब कुछ सिंटैक्टिकली सही है क्या,
कुछ मिसिंग नहीं है ना, वेरिएबल सर्वे पहले डिक्लेयर किए है क्या, जो रैम में होने चाहिए वो है क्या, एवरीथिंग इट इज गोइंग टू चेक कौन, कंपाइलर, उसे हम जावा सी कहते हैं, जावा कंपाइलर। ओके, अगर सब कुछ सही लगा देन ओनली इट इज गोइंग टू कंपाइल इट एंड इट विल जनरेट द डॉट क्लास फाइल। समझ में आ रहा है एवरीवन? यस। हाँ, सो इसी हिसाब से आपका जावा प्रोग्राम रन होता है। ओके, होप एवरीवन इज गेटिंग इट। ओके, नाउ टेल मी, किसे कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं? एनीवन व्हाइल राइटिंग योर फर्स्ट प्रोग्राम? यस। अच्छा, एटलीस्ट मुझे इतना तुम्हें बताओ, जितने लोगों ने कोड एग्जीक्यूट किया है और लिखा है, ओके, कैन यू ड्रॉप डन इन अ चैट बॉक्स? प्लीज, आई एम एक्सपेक्टिंग दैट इनपुट फ्रॉम योर साइड। देखो, दो घंटे सिर्फ मैं ही बात नहीं करने वाला, आपको भी बात करना पड़ेगा ना यार, एटलीस्ट टाइप तो भी करो। अनिकेत ने किया है, ओके, वेरी गुड अनिकेत, डन, अजय हैज डन, आदित्य डन, ग्रेट। और बस तीन लोगों ने किया, व्हाट अबाउट अदर्स? ठीक है, कुछ लोगों के पास लैपटॉप नहीं है, गांव गए हैं, ब्ला 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 थिंग्स, ओके, बट कीप इन माइंड, हमें प्रोग्राम्स करने हैं। संजीव कुमार इज ऑल्सो डन सर, ग्रेट। और किसने किया है? यस, देखो कैसे होता है कि मुझे खाना तो खाना है, ओके, लेकिन मुझे होटल भी नहीं जाना है, ऑर्डर भी नहीं करना है, और घर पे बनाना ही नहीं है, तो क्या होगा? भूखे रहोगे ना भाई, राइट? यानी कि मुझे जावा तो सीखना है, ओके, लेकिन मैं कोड नहीं करूंगा, मैं कोड समझूंगा नहीं, सेशन में ठीक तरह से अटेंड नहीं करूंगा, रिकॉर्ड होते हैं बाद में देखूंगा, दिस आर द एक्सक्यूजेस, ओके, मत करो, बी सीरियस, ओके। और यहाँ पे ना हम हंसते हंसते सारी चीजें सीखेंगे, एकदम लाइट वेट, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप प्रोग्रामिंग मास्टर कब बन गए, आई बेट ऑन यू, पक्का बनोगे मास्टर, अगर जिस हिसाब से मैं आपको पढ़ा रहा हूं उस हिसाब से अगर आप पढ़ रहे हो तो। ओके, समझ में आ रहा है सबको? सो आई रिक्वेस्ट टू एवरीवन कि ज्वाइन करो सेशंस थ्रू लैपटॉप्स। अरे पूछो ना, मेरे साथ बैठ के आप प्रोग्रामिंग करो, तभी तो आपको एरर्स आएंगे। आज देखो ना, आज आ जाए आदित्य, इन्होंने ने किया ट्राई, राइट, दे आर फेसिंग द इश्यूज एंड आई एम सॉल्विंग दोज इश्यूज, राइट, मैं सॉल्व कर रहा हूँ उनका प्रोग्राम, कंप्लीटली उनके सिस्टम पे रन करके दे रहे हैं हम, राइट। तो अभी कैसा है, आई वॉन्ट टू गो फॉर द नेक्स्ट टॉपिक, ओके, लेकिन आप लोगों के पास अभी तक लैपटॉप्स लाए नहीं हो, सिस्टम नहीं है आपके पास, तो कैसे करेंगे हम? अगर किसी को प्रॉब्लम्स है तो बोलो, विल ट्राई टू मैनेज समथिंग। सर मेरे पास लैपटॉप नहीं है, मेरे पास सिस्टम नहीं है, ऐसे कुछ है क्या किसी के पास? एनीवन, आई एम नॉट एबल टू मैनेज माय सिस्टम्स, ऐसा कोई है? एनीवन, यानी कि सबके पास? ओके, फाइन। हे पा, एक गोष्ट सांग, आपल्या मराठी मध्ये एक म्हण आहे, कुठला? मेल्याशिवाय स्वर्ग दिसत नाही, बरोबर? मग प्रॅक्टिस केल्याशिवाय प्रोग्रामिंग येत नाही, हा माझा पुढचा स्टेटमेंट आहे। एकदम बरोबर सर, हो की नाही? मेल्याशिवाय जर स्वर्ग दिसणार नसेल तुम्हाला, तर प्रॅक्टिस केल्याशिवाय प्रोग्रामिंग कसं येणार? आणि प्रोग्रामिंग नाही आलं तर तुम्ही इंडस्ट्रीमध्ये कसे लागणार? आणि इंडस्ट्रीमध्ये नाही लागणार तर तुम्हाला पैसे कसे कमवणार? इंडस्ट्रीमध्ये नाही लागणार तर ऑनसाईट कसे जाणार? स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग कसं वाढणार? भरपूर पैसा कसा कमवणार? एम ठेवा आपल्या समोर,
आपल्याला 20-25 लाख रुपये कमवायचे आहेत इयरली, असला पॅकेज पाहिजे आपल्याला, राईट? तो म्हणतो ना किक पाहिजे, तर तो किक बनवा. आपल्याला झटायचंय आणखी किती तास हो, आठवड्यामध्ये 4 तास द्यायचे तुम्हाला, राईट? 4 आवर्स इन अ वीक. लक्ष देऊन, फुल्ली फोकस देऊन, डेडिकेशननी बसा. जसं आपण 10वी 12वीला अभ्यास करायचो, राईट? 10th 12th मध्ये करायचो ना, प्रत्येक सब्जेक्ट साठी एक नवीन बुक राहायचा आपल्याकडे. सरांनी आपल्याला जे काही शिकवतात आपण सर्व काही काढायचो, नोट्स काढायचो, लिहायचो. पण त्यावेळेसचा रिझल्ट खरंच चांगला होता आपला, त्यावेळेसच्या गोष्टी आपल्याला आणखीही आठवतात, बरोबर? पण आताचे काय नाही आठवत, इंजिनिअरिंग मध्ये शिकलेले काय नाही आठवत, कारण तिथे आपण मजा मस्ती करतच टाइमपास करतच केलेले. आणि तेच मिस्टेक आपल्याला इथे नाही करायचं, आपल्याला इथे सिरियसली, सिरियस म्हणजे सर्व काही सोडून नाहीये या ठिकाणी, असं म्हणत नाही की सर्व काही सोडून द्या आणखी इकडे फोकस करा. 2 आवर्स, राईट? सॅटरडे 2 आवर्स, संडे 2 आवर्स, फुल्ली फोकस्ड. आणखी एकदा जर लक्ष दिलं तर परत एकदा व्हिडिओ बघायची गरज नाही पडणार. त्यावेळेस तुम्ही काय करणार, डायरेक्टली नेक्स्ट लेवलचे कोडिंग करणार, असाइनमेंट देणार मी, त्या असाइनमेंट करणार, राईट? आता मी काय सांगितलं या सेशन मध्ये, हमने क्या किया अभी तक, जस्ट वी हॅव डन द ऍडिशन, राईट? सो पुढच्या वेळेस मल्टिप्लिकेशन करा, स्वतःहून करा, डिव्हिजन करा. एव्हरी वन इज कम्फर्टेबल विथ मराठी? और किसी को ऐसे प्रॉब्लेम है सर? प्लीज स्पीक इन हिंदी और इंग्लिश. ओके संजीव कुमार, फाइन, नो इश्यूज. ओके, तो देखो वही बता रहा हूं मैं, कैसे कि जैसे 10th 12th में नहीं क्या सीरियस थे अपने स्टडी को लेके, तो उसी हिसाब से आपको यहाँ पे सीरियस होना पड़ेगा, राइट? सीरियस होना यानी कि बहुत कुछ नहीं करना है, सैटरडे संडे 2 आवर्स डेडिकेटेडली दे दो बस. एंड देन सी, आफ्टर 2-3 मंथ्स यू बिकम्स परफेक्ट और गुड प्रोग्रामर, आई बेट ऑन यू, ये होगा ही, राइट? लेकिन आपको ये चीज करना पड़ेगा, ठीक है? सो फ्रॉम नेक्स्ट सेशन आई एम एक्सपेक्टिंग the answers from everyone, okay? और आज हमने जो कुछ भी देखा है यहाँ पे ये चीजें, okay? If you want then take a screenshot at least. अगर आपने अभी तक ग्रुप नहीं बनाया, okay? तो ग्रुप में मैं ये सारी चीजें भेज सकता हूँ materials, okay? लेकिन ग्रुप नहीं बना अपना, right? So meanwhile what you can do, you can take the screenshot of this, right? ये वाला screenshot ले लो and try to follow this one while writing the code. हम कहां पे मिस्टेक कर रहे हैं क्या, वो चीज देखो ठीक तरह से, आपको पता चलेगा. फाइन. हेलो सर. हाँ यस सर. हाय, आई एम आदित्य. सो मैंने डेमो सेशन के लिए ज्वाइन किया है, दिस माय फर्स्ट टाइम. ओके. तो करंटली आई एम परस्यूइंग एमसीए. ओके. फिलहाल प्लेसमेंट एंड ऑल शुरू है, तो आई बेसिक्स मेरा वापस क्लियर करना था मुझे, जावा एंड ऑल का. ओके. तो कैन आई आस्क कि मतलब सिलेबस का अप्रोच कैसा होगा? हां, सिलेबस एक्चुअली आई थिंक सो मैंने दिखाया था, लेट मी चेक द सिलेबस वंस अगेन. वी हैव बीन हैविंग सिलेबस हियर. सो सी, दिस इज द सिलेबस, जावा सिलेनियम का सिलेबस है. जावा में क्या-क्या कवर करने वाले हैं, यहां पे देखो, इंट्रोडक्शन टू जावा है, इंस्टॉलेशन कैसे कर रहे हैं, डेटा टाइप्स एंड ऑपरेटर्स क्या है, राइटिंग ऑफ फर्स्ट जावा प्रोग्राम, इंट्रोडक्शन टू क्लास, ओके, देन कंट्रोल स्टेटमेंट्स लाइक फॉर, व्हाइल, डू व्हाइल, ईच, अरेज, ओके, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स भी है, एनकैप्सुलेशन, डेटा हेडिंग, एब्स्ट्रैक्शन, इस पे ही सारे क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं, राइट? वो चीजें है. देन एक्सेप्शन हैंडलिंग्स है, ओके. Then collection framework, the most important, the collection framework is complete. Okay, usme set, map, queue, sari cheez aane wali hai. And all these things we are going to see the practically. Practically karne wale hai. Aur practically kab possible hai? Agar aap log theek tarah se mere sath practice kar rahe ho to. Right? Everything we are going to see the practical. Only practical, not a theoretical.
थ्योरेटिकल में मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट बताऊंगा एंड देन विल गो फॉर द प्रैक्टिस प्रोग्रामिंग. ओके देन उसके बाद विल हैव द सिलेनियम एंड टेस्ट एनजी. ओके एंड अपने यहाँ पे कैसा है इफ यू गाइज आर नॉट फॉलोइंग द टेस्टिंग शास्त्र ऑन लिंक्डइन एंड इंस्टाग्राम देन फॉलो. कैसा है अगर आप कर रहे हो ज्वाइन नहीं कर रहे हो दैट इज द सेकेंड थिंग बट वहां पे आपको नोटिफिकेशन आएंगे. अपने यहाँ पे कुछ फ्री सेशंस भी होते हैं लाइक ऑन अ गिट मैवेन. ओके रिज्यूम कैसे बनाना है इंटरव्यू क्वेश्चंस क्या होते हैं इंटरव्यू कैसे अप्रोच करना है कुछ फ्री सेशंस भी होते हैं आपने. ओके सो यू कैन गिव द बेनिफिट ऑफ दोस वो चीज भी आपको मिल सकते हैं. फाइन तो हाँ आप फॉलो करो. सो दिस इज द सिलेबस बेसिकली यहाँ पे बहुत सारी चीजें कवर किए जाएंगी और सिर्फ इतना ही नहीं है फॉर अ गुड प्रैक्टिस. ओके बिकॉज विदाउट प्रोग्रामिंग आगे नहीं बढ़ने वाले. सो फुल्ली फोकस रहेगा अपना प्रोग्रामिंग पे. सो ऑन यू नो लिट कोड और हैकर रैंक ऐसे कुछ यस एक्चुअली वही प्लेसमेंट्स और ऑल में टेस्ट केसेस ये वो सॉल्व करना पड़ता है. यस पास करना पड़ता है तो वही आई वांटेड टू लर्न मतलब उतना. या यू विल गेट एवरीथिंग यहां पे सारी चीजें मिलेंगी आपको. ओके ओके सो कैन आई नो योर नेम. माय नेम इज रोहित. रोहित या ओके सर थैंक यू. ओके और किसी को कुछ डाउट्स है anyone? Very good, Aditya. तो आदित्य ने जैसे बात किया ना आई एम एक्सपेक्टिंग टू फ्रॉम एवरीवन. अरे आपको कुछ भी डाउट रहने दो एनीथिंग विल सॉल्व इट. एटलीस्ट बातें करेंगे डिस्कशन करेंगे ये चीज होना चाहिए फ्रॉम बोथ द एंड. ओके ओके फाइन गाइज देन इफ यू डू नॉट हैव एनी डाउट्स देन लेट्स क्लोज द सेशन बिकॉज आई हैव टू गो फॉर द अनदर वन. ओके सो गाइज बी प्रिपेयर्ड विथ योर लैपटॉप्स इंस्टॉलेशन करो. हो सके तो ग्रुप बनाओ वहां पे कुछ भी डाउट्स रहने दो. ओके वहां पे आपके सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे. ओके इंस्टॉलेशन में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं राइट कोड रन नहीं हो रहा है कुछ एरर्स आ रहे हैं नॉट एबल टू रिजॉल्व द एरर्स वो सारी चीजें मैं वहां पे डिस्कस कर सकते. फाइन ओके श्योर देन. ओके हैव अ गुड डे देन. लेट्स क्लोज द सेशन. थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी पेशेंटली. थैंक यू सर. थैंक यू सर. थैंक यू. Thank you, everyone. Bye-bye.